मोहम्मद हारून मोहम्मद रमजान सर, ऑनरेबल एचओडी ओपी डिपार्टमेंट डॉक्टर अंसारी फामिदा मैडम, ऑनरेबल डिग्निटरीज ऑन द डाइस, सॉरी मैं एड्रेस नहीं कर रही हूँ सबको, और डियर स्टूडेंट्स, इट इज टाइम मैनेजमेंट दैट्स व्हाई इट इज गोइंग ऑन. टुडे इज द इवेंट ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल डे. जैसा कि मैम ने अभी कहा कि 15 अक्टूबर, वैसा ही जो हम देखेंगे यहाँ पर मैंने जो है तो नवंबर 17 है ना. अभी जो है बहुत सारा जो है हमारे पास इंटरनेशनल डे का पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे. मैं क्यों नवंबर 17 मैं बोल रही हूँ, मैम क्यों अक्टूबर 15 बोल रही है कि नहीं? तो क्योंकि जब आएगा तो आप लोग सोचोगे कि अभी मनाए थे, अभी ये कहाँ से आ गया है ना. इसलिए मैंने दोनों को जो है साथ में ला के बात करने की कोशिश की है. तो देखते हैं इसको उठाए यहाँ से. स्टूडेंट्स डे है ये, यानी आपका दिन है, और एज ए स्टूडेंट आपके दिन को जो है क्या बोलता कुछ प्रॉब्लम है तो आपके दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं. तो आप सबको हैप्पी स्टूडेंट्स डे. उस दिन पर ऑन द ओकेजन ऑफ स्टूडेंट्स डे we wish, we means we all teachers, we wish that there are no hurdles in your studies. Hurdles hai kya? Hurdles yani obstacles, mushkilat, haan rukawatein. There are so many rukawatein. Subah nikalte hain 7:30 se leke jaane tak rukawat hi rukawat hai, aur phir din bhar ki rukawat alag se. Jaise ki itne mushkilon mein hum aate hain, you are social security, samajik tahaffuz hai humko. लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग को क्या सेफ और सिक्योर फील होता है क्या व्हेन वी आर ऑन द रोड व्हाइल कमिंग टू कॉलेज? बोलो जल्दी से, बोलते रहो, थोड़ा सा डिस्कशन करके हम बातें करेंगे. कॉलेज आते हैं तो हम लोग जो है सेफ्टी सिक्योरिटी फील होती है क्या? यस मैम. वेरी नाइस. इसका मतलब ये हुआ कि फुल एंजॉय कर रहे हो हर राइट को. यस मैम. सोशल राइट, इट इज योर सिविक राइट एज ए सिविलियन. हमारे गांव का शहरी होने के नाते, हिंदुस्तान का शहरी होने के नाते हमको सो मेनी राइट्स आर देयर. तो बड़ा अच्छा लगा सुन के पहली बार कि यू फील सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड इट्स अ क्रेडिट गोज टू योर वेल योर बुरका. बिकॉज वी फील सेफ्टी एंड सिक्योरिटी व्हाइल वेयरिंग दैट बुरका, कि उसमें हो गए मीन्स वी आर सेफ है ना. तो वाकई जो है शरीयत के जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, वो हमारे उसूल जो है वो हम लोगों को इस तरह की सिक्योरिटी फराहम करते हैं. तो यहाँ पे जो है ना हम बात कर रहे हैं कि सोशल सिक्योरिटी के साथ आप आते हो, बट सो मेनी हर्डल्स आर देयर वाइल स्टडिंग एंड एज ए स्टूडेंट आपको हर कदम पे एक नया चैलेंज जो है फेस करना रहता है सिंस मॉर्निंग टू इवनिंग. और रात में भी जो है हम धीरे धीरे उस पर बात करेंगे आगे. तो यहाँ पर जितने हर्डल्स हैं तो हम दुआ करते हैं हम सब टीचर्स कि आपकी लाइफ में वो हर्डल्स ना आए जो हमने जो है हर्डल्स देखे हैं एज ए स्टूडेंट. बिकॉज बिफोर टीचर हम लोग क्या थे? हम भी तो स्टूडेंट थे. तो आज भी टीचर बनने के बाद वी आर लर्नर्स, हम लोग आज भी सीख रहे हैं. बिकॉज वी फॉलो ट्रिपल एल. ट्रिपल एल मीन्स व्हाट? लाइफ लॉन्ग लर्निंग. तो हम लोग आखिरी सांस तक सीखते रहेंगे, और ये हमारा जो है तो मिशन है कि आखिरी दिन तक, जब तक आखिरी सांस आती है टिल द लास्ट ब्रेथ, हम लोग सीखेंगे. तो हमने जो हर्डल्स देखे हैं तो आपकी लाइफ में कोई हर्डल्स ना आए इन योर स्टडीज एंड यू ऑलवेज प्रोग्रेस टुवर्ड्स बेटर लाइफ. कौन सी लाइफ में आप जाना चाहिए? बेटर लाइफ. आपकी जिंदगी बेहतरीन हो, खुशहाल हो, बहुत ही गोल्डन फ्यूचर और ब्राइट फ्यूचर आपका हो, ऐसी जो है हम सब आज टीचर्स दुआ करते हैं इस दिन को जो कि हम मना रहे हैं आज. हालांकि जो है मैम ने जिस तरह से कहा कि किसी और दिन मनाना था, जिस दिन जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बर्थ एनिवर्सरी थी, बट ड्यू टू सम टेक्निकल एरर्स वो हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो देर से ही सही पर हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और वही बात कहूँगी मैं जो उस दिन हमने कही थी
के ये डेज जो सेलिब्रेट होते हैं, ये जो बहुत सारे ओकेजन्स जो हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत सारे इवेंट्स, तो इट इज फॉर योर, कुछ लोग बात कर रहे हैं, प्लीज बात नहीं करेंगे, काहे के लिए आपका ऑल राउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सके इसके लिए इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। और दूसरा, हमारे जो आबा अजदाद थे उन्होंने जो बेहतरीन कंट्रीब्यूशन किए थे उसको हम सब सीखें, इसके लिए जो है इस तरह का डेज जो है अलग अलग इवेंट्स अलग अलग एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की जाती हैं। तो आपको इस दिन के लिए जो है मुबारकबाद देना चाहेंगे। अभी हम देखेंगे कि व्हेन ए स्टूडेंट बिकम्स सक्सेसफुल हिज सक्सेस इज रिफ्लेक्शन ऑफ द सक्सेस ऑफ हिज पेरेंट्स एंड टीचर्स। देयर अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज ऑन दिस ओकेजन। क्या मैसेज दे रहे हैं कि एक स्टूडेंट जब अगर कामयाब होता है, सक्सेसफुल हो जाता है, तो सक्सेस उसकी अकेले की है क्या? फिर किसकी सक्सेस है वो? और किसकी सक्सेस है? ऑफकोर्स आपकी लाइफ में तीन लोग ऐसे हैं जो आपकी सक्सेस पे बहुत ज्यादा खुश होते हैं, आपको अपने से बड़ा देखना चाहते हैं। वो सबसे पहले है एक आपके माँ, आपके वालिद, फादर आपके, एंड थर्ड वन इज योर टीचर्स। दिस टीचर्स वो जो है हम सब चाहते हैं कि हमसे बड़ा हमारा बच्चा बनना चाहिए, हमसे बड़े आला ओहदे पे हमारा बच्चा फायज होना चाहिए, ये हम सब की तड़प होती है एज ए टीचर। तो आपकी सक्सेस इसका क्रेडिट आपके पेरेंट्स को, आपके टीचर्स को, और आप नहीं सक्सेसफुल होते हो, सक्सेसफुल हम सब होते हैं। एक स्टूडेंट अपने टीचर को, अपने पेरेंट्स को सक्सेसफुल बना देता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस डे पर जो है आप लोगों को एक सजेशन वी कैन से, तो डियर स्टूडेंट्स, वर्क हार्ड एंड वर्क स्मार्ट टू एंड विद द राइट फोकस एंड डिटर्मिनेशन यू विल सी दैट गोल्स आर नॉट इम्पॉसिबल टू अचीव। अभी आप देखिए, अगर आपने कोई गोल सेट किया है, गोल सेट है सबका, हाँ नहीं किए होंगे तो फहमिदा मैडम या पिंकी मैडम का भी कोई लेक्चर रखेंगे इंशाल्लाह, हम बात करेंगे, है ना, सॉफ्ट स्किल में मैडम करती है गोल सेटिंग के ऊपर, तो इंशाल्लाह आपका गोल अगर सेट नहीं होगा तो सेट करवा देंगे। लेकिन माशाल्लाह आप बोल रहे हो कि गोल सेट है, वेरी नाइस, इट इज ए गुड साइन, यू आर इन FYBA एंड यू आर सेइंग योर गोल इज सेट, तो इट मीन्स यू आर, आप क्या हो? राइट डायरेक्शन, सही सिंह में जा रहे हो। वाई बिकॉज योर गोल इज सेट। प्यूबर्टी वाई में आने के बाद हमारी कुछ बच्चियां बोलती हैं, मैडम गोल तो सेट नहीं हुआ। अरे भाई, गोल आज TY में आने के बाद आपका सेट नहीं है, तो माशाल्लाह आप सब बच्चियों को सुन के अच्छा लगा कि आपका गोल सेट है। तो जो भी आपने गोल सेट किया होगा तो उसके ऊपर जो है आपको अगर गोल तक पहुंचना है, आपके गोल को अचीव करना है, तो यू मस्ट वर्क हार्ड। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? काम बहुत ज्यादा जो है करना है, वर्क हार्ड, है ना, डिवोशन, आपकी सेक्रीफाइस, आपके जो हम देखेंगे काम करने का जो तरीका है वो आपको बहुत ही ज्यादा जो है प्लान के साथ और बहुत ज्यादा हार्ड एफर्ट्स के साथ करना है। साथ ही साथ आपको काम कैसा करना है? यू मस्ट वर्क स्मार्ट। मैं हमेशा आपको अभी बोल रही हूँ कि यू आर 21st century गर्ल, यू आर लिविंग इन डिजिटल एरा, एंड दिस इन दिस डिजिटल एरा यू मस्ट वर्क वेरी स्मार्टली। आपको अपना काम कैसे करना है? स्मार्टली। आप और मैं, हम सब इस हॉल में जितने लोग हैं, क्या हम स्मार्ट दिखना नहीं चाहते? मैडम उसी के लिए तो इतना खर्चा करते हैं। तो स्मार्ट अगर हम ड्रेसिंग में है, हमारे अपीयरेंस में है, तो वी मस्ट बी स्मार्ट इन एवरी फील्ड। व्हाट एवर यू आर डूइंग, व्हाट एवर यू आर थिंकिंग, यू मस्ट डू एंड थिंक स्मार्टली। तो स्मार्टनेस आपको अपने अंदर लाना पड़ेगी, देन एंड देन यू कैन अचीव योर गोल, देन एंड देन यू कैन गेट सक्सेस इन योर लाइफ। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आप जो है फोकस रखिए, डिटर्मिनेशन रखिए, और फिर देखिएगा कि आपका गोल जो है अचीव करना कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। यू कैन डू एंड यू कैन अचीव वट एवर यू वॉन्टेड टू डू, वो आप कर सकते हो। अभी आते हैं हम लोग देखेंगे कि मैम ने तो बता दिया 15 अक्टूबर वाला, तो थोड़ा सा 17 नवंबर वाला भी जो मैं कहती चलूं,
क्योंकि आप जैसे ये कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने के अपनी लाइफ जो है वो लॉस्ट की उन्होंने, और उनके ऊपर एग्जीक्यूशन किया गया और ट्रायल चलाने के बाद उनको जो है किस तरह से जो है टॉर्चर किया गया, तो थोड़ा सा उसके ऊपर मैं बात करूंगी। अगर 15 अक्टूबर की बात करना है मुझे एक्चुअली ओरिजिनल, पर वो भी मैं कैसे भूल जाऊँ आप जैसे स्टूडेंट्स की कुर्बानी को जिन्होंने कि डिवोट किया था अपनी लाइफ। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे जो है उसको इंटरनेशनली सेलिब्रेट किया जाता है और 17 नवंबर जैसा कि मैंने बताया। और ये जो है डे क्यों सेलिब्रेट किया गया, तो नाजीज जो थे, नाजी पार्टी, उनका जो जुल्म सितम था ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार सेकंड, उसको जो है ये जुल्म जबर बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे जेक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, इसलिए उन्होंने अपोज किया उनको। और इस अपोजिशन के बदले में हुआ ये कि इन यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे उनके टीचर्स थे उनको जो है किल कर दिया गया। पहले तो उनको जो है वो एनआरसी के टाइम में हम लोग कौन सा कैंप को बोल रहे थे, कौन सा कैंप बोल रहे थे सर एनआरसी के टाइम, कौन सा डिटेंशन में रखते हैं ना, डिटेंशन। तो डिटेंशन में जिस तरह से हम लोग सुन रहे थे कि वो डिटेंशन कैंप में हमको भेज दिया जाएगा, उसी तरह से ये कैंप में इन बच्चों को उठा के भेज दिया गया। और ये बच्चे क्यों अपोज कर रहे थे, दे नो द टोटल और कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट, जो कुछ तबाही बर्बादी दुनिया ने पहली आलमी जंग में देखी थी, तो ये स्टूडेंट्स ने बिकॉज ऑफ हिस्ट्री बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल साइंस उन्होंने वो स्टडी किया हुआ था, और वो अपोज करने लग गए कि अब बस अब और नहीं चाहिए हमें सेकंड वर्ल्ड वार के नाम पे कोई भी जंग दोबारा लादी ना जाए, थोपी ना जाए। तो इसके लिए इन्होंने अपोजिशन शुरू किया और जो है नाजीज ने जो है क्या किया, उनको उठा के डिटेंशन कैंप भेज दिया और वहाँ पे उन 17 लोगों को किल किया गया। और उन्हीं की याद में उन्हीं को जो है ट्रिब्यूट देने के लिए एवरी ईयर इन द वर्ल्ड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 17 नवंबर, याद रखिएगा। तो वो डे आए तो गलत मत समझना हम लोग को कि हम लोग गलत सेलिब्रेट करके बैठे हुए, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से जो है वो हमको हिस्ट्री दिखती है। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की एडवांस में आप सबको मुबारकबाद। और डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट लाइफ इज नॉट इजी फॉर यू गाइस, आपके